हमेशा मेरे साथ ही की। पहले दक्ष ने धोखा दिया और ध्रुव और किन्नी जिन पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया उन्होंने ही मेरे दिल को छोड़ दिया। किसका सहारा लूं, किसके पास जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत राह पर नहीं ले जाएंगे। डिंपी, मैं तुम्हें यहां कोई सफाई देने नहीं आया, मैं तो बस ये कहने आया हूं कि क्या हम सब कुछ भुलाकर राजी खुशी नहीं रह सकते? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे पहले थे वैसे ही रहें? ध्रुव, मुझे कोई एक वजह बताओ जिससे मैं इस रिश्ते से समझौता करके इस शादी को बनाए रखूं। मैंने बाथरूम में गर्म पानी और तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं। पति पत्नी में झगड़े होना आम बात है, पर ये छोटे छोटे झगड़े कब बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। फिर इस छोटी उम्र में इन रिश्तों को निभाने की समझ भी तो नहीं होती है। इसकी समझ, इसकी अहमियत तो वक्त के साथ साथ ही आती है ना। अरे डिंपी बेटा, जी मम्मी जी, उसकी तबीयत कैसी है बेटा? जी वो ठीक है, नहा रहे हैं। ये हमने उसके लिए काढ़ा बनाया है, ये ले जाकर के उसे पिला देना, वो एकदम ठीक हो जाएगा। ये दे दे इसको। ये ले, उसे अपने हाथों से पिलाएगी तो वो और भी जल्दी ठीक हो जाएगा। पति पत्नी के बीच एक प्यार ही तो है जो उन्हें उम्र भर बांधे रखता है, उन्हें खुश रखता है। और तू और ध्रुव तो बहुत खुश नसीब है, तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार है। अब मुझे और अपने धैर्य भैया को देख लो, हम तो रोज लड़ते हैं लेकिन दूसरे ही पल एक दूसरे को मना भी लेते हैं। सच बताऊं, ये रोजमर्रा की जो तकरार है ना, यही आपस में सच्चा प्यार होता है। एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मनाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, यही तो घर गृहस्थी है। सुन, घर गृहस्थी चलाने के लिए प्यार के साथ साथ एक दूसरे के साथ भरोसा भी रखना चाहिए, समझी? है ना माँ जी? हाँ बेटा, भरोसे से भी ज्यादा जरूरत दृढ़ निश्चय। फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए ना बेटा, अगर आपने साथ रहने का अटल इरादा किया है तो सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती, सारे रिश्ते बने रहते हैं। फिर बेटा, झगड़ा किस रिश्ते में नहीं होता? हाँ, मनमुटाव कहाँ नहीं होता? लेकिन अगर इस झगड़े की वजह से कोई भी रिश्ता टूट जाए ना, तो वहां ना तो प्यार होता है और ना ही भरोसा। समझ गई ना बेटा? सुन, ये काढ़ा बहुत कड़वा है। हाँ, वो मना करे ना तो जबरदस्ती पिलाना उसे, उसको सुनना मत। हाँ, जा जा, जा पिला दे उसको। जब गिन्नी ने मुझे बताया तुम्हारी इस हरकत के बारे में तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन इस टाइम इसने मुझे गलत साबित किया। तुम्हारे मुंह से तुम्हारी असलियत सुनकर मुझे यकीन आया कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। वो तो अच्छा हुआ कि गिन्नी मुझे यहां ले आई, वरना मुझे तुम्हारी असलियत का कभी पता ही नहीं चलता। तुम में तो शर्म नाम की चीज बची नहीं, लेकिन मुझे शर्म आई कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। तुम जैसी लड़की के लिए मैंने मैंने अपने परिवार वालों को छोड़ा। हाउ कुड यू डू दिस?
ध्रुव और डिम्पी के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुमने ये सब, जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए इन दोनों ने अपने प्यार का सेक्रीफाइस किया, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए तुमने, मुझे घिन आती है। इन दो परिवार वालों ने पहले तुम्हारी वजह से कम झेला है, तो अब तुम इनफ। अब मैं तुम्हें डिम्बी के पास ले जाऊंगा और तुम उसे सब सच बताओ, वरना उनकी शादी का तो पता नहीं लेकिन अपनी शादी जरूर टूट जाएगी। समझी? चल अभी चल। माँ जी को लगता है कि तुम्हारी तबीयत सच में खराब है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए काढ़ा भेजा है। तुम चाहे तो फेंक भी सकते हो। ये लो पानी पियो। नहीं पीना पानी। ध्रुव पानी पियो। मैंने कहा ना नहीं पीना मुझे पानी। ध्रुव तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं खुद को सजा देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम चाहो तो मैं कान पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे उठक बैठक भी कर लेता हूँ। ध्रुव तुम हर चीज को मजाक में ही क्यों लेते हो? हमारी शादी, मेरी फीलिंग्स, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बस एक मजाक ही है ना? तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं तुम? तुम कहते थे ना ध्रुव कि तुम दक्ष नहीं हो। तुम सच कहते थे, तुम दक्ष नहीं हो। दक्ष ने तो मुझे सामने से धोखा दिया, पर तुमने, दक्ष का तो धोखा मैंने बर्दाश्त कर लिया ध्रुव, लेकिन इस बार मेरी खामोशी का तुम गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि ना ही मैं कुछ भूली हूं और ना ही मैंने तुम्हें माफ किया है। मैं चुप हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हूं। ये रिश्ता सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का रिश्ता है, और अब मैं सिर्फ उसी रिश्ते को निभा रही हूं। डिम्पी, लिपि का तुमसे कुछ कहना चाहती है। सॉरी डिम्पी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। तुम्हारे दिल में मैंने बहुत गलत बातें भरी हैं, बहुत गलत फहमियां। इनफैक्ट जो ध्रुव के मोबाइल पे तुमने SMS पढ़े थे वो भी मैंने ही गिनी के मोबाइल से भेजे थे। ध्रुव और गिनी बिल्कुल बेकसूर है, उनकी कोई गलती नहीं है। यही कहलवाना चाहती थी ना तुम मुझसे? खुश हो अब तुम? टिम्पी, मैंने ये सब तुमसे दक्ष के कहने पे माफी मांगी। क्योंकि गिनी ने दक्ष को मुझसे ही करने के लिए कहा। पता नहीं दक्ष के दिमाग में कैसी कैसी चीजें भरी कि मेरा पति मेरे खिलाफ हो गया। पहले तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा घर तोड़ दिया। Basically, she's a bloody... बस इसी की कमी बची थी। वाह किन्नी, तुम तो बहुत शातिर निकली। तुम्हारा तो पूरा प्लान कामयाब हो गया।
पहले ध्रुव को डिम्पी से छीना और अब मेरे दक्ष को मुझसे। कांग्रेचुलेशंस गिन्नी, तुमने एक नहीं दो घर तोड़े हैं आज, दो घर। इतना तमाशा होने के बाद मुझे कुछ मेरा कुछ बोलने का मायने तो रहता नहीं। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी शादी टूटी तो उसकी जिम्मेदार तुम भी उतनी होगी जितनी लिपिका, क्योंकि लिपिका चाहे जो भी कहे पर आखिरी में सच और झूठ का फैसला तो तुम्हें लेना है। ये पूरी दुनिया तुमसे झूठ बोल सकती है, तुम्हारी आंखें तुमसे झूठ बोल सकती, पर तुम्हारा दिल नहीं। ये ना तुमसे कभी झूठ बोलेगा और ना ही तुम्हें कभी धोखा देगा। इसीलिए जो भी फैसला लेना दिल से लेना। सामान बांधो और निकलो यहां से। मुझे भी यहां रहने का कोई शौक नहीं है, स्पेशली आफ्टर ऑल दैट हैज हैपेंड। मैंने अपना बैग पैक कर लिया, लेकिन जब कल सुबह तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछेंगे कि घर की बड़ी बहू कहां है, तो उसका जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। माना कि मैंने गलती की, मैं बुरी हूं क्योंकि मैं अपने तरीके से डिम्पी को सच्चाई बताना चाहती हूं। But don't forget, डिम्पी के साथ धोखा हो रहा है और चलता रहेगा। ध्रुव और किन्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। Do you know what that means? लेकिन ध्रुव ने डिम्पी को अपनी पत्नी बना लिया। क्यों? बस नाम के लिए, सबका मन रखने के लिए, दिल जीतने के लिए, डिम्पी को खुश करने के लिए। Is that fair? बड़ी बड़ी बातें करने वालों के घर में ऐसी चीजें भी होती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बुरी बनती हूं मैं क्योंकि मैंने सच्चाई दिखा दी। Let me tell you one thing, Mr. दक्ष त्रिपाठी, एक पत्नी होने के नाते डिम्पी का पूरा हक बनता है कि वो अपने पति के बारे में सब कुछ जाने, उसका अतीत, उसका आज, उसका कल, सब कुछ। और ये सब जानने के बाद वो ये फैसला करेगी कि उसकी नजरों में जो उसकी बहन और उसके दोस्त ने मिलकर किया वो सैक्रिफाइस है या धोखा। वो तय करेगी कि उसे इस रिश्ते में रहना भी है या नहीं, और ये फैसला करने का हक उससे कोई नहीं छीन सकता। एंड आई मीन कोई भी नहीं।